सरोकार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, 3 चरण हो चुके हैं और 4थे चरण की तैयारियां चल रही हैं और प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने समर्थन को मजबूत करते नजर आ रहे हैं। प्राइम टीवी की टीम लगातार चुनावी कवरेज कर रही है। इसी कवरेज के तहत पहुंचे हैं आज हम धर्मनगरी अयोध्या में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है गोसाईगंज विधानसभा सभा प्रत्याशी अभय सिंह जी। अभय सिंह जी, क्या मानते हैं ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गठबंधन चुनाव भी है और एक ऐसा चुनाव है जिससे बहुत कुछ पार्टियों की रूपरेखा तय होने वाली है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की आज़ादी का चुनाव है, वो आज़ादी जो भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो नौकरियां इन्होंने दी भी वो ठेके पर दी, आउटसोर्सिंग दी, तो जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनका आरक्षण उसमें ख़त्म हो गया, जो और सामान्य वर्ग के लोग हैं 50,000-60,000 की तनख्वाह मिलनी चाहिए उसमें 35,000-40,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की आज़ादी का चुनाव है और जनता इसको अपनी आज़ादी तरीके से लड़ रही है। बीजेपी कहती है जो हमने अब तक नहीं किया इस बार दोबारा करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश दोबारा सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले, क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उनका 2017 का संकल्प पत्र उठाकर देख लीजिए, जो 2017 में उन्होंने संकल्प लिया था, आज देख लीजिए 2022 में पूरा हुआ। उनको सिर्फ झूठ बोलना है, जुमले सुनाना है और उनके पास सिर्फ एक योजना है, आम आदमी को उल्लू बनाओ योजना। हम देख रहे हैं लगातार चुनाव हो रहा है और लगातार जो एजेंडे आए हैं तो कहीं ना कहीं मुफ्त के एजेंडे भी चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से शुरुआत की, जो दिल्ली मॉडल लेके आए थे वो भी यहाँ लेके आए, उसके लगातार पार्टियों ने एजेंडे जारी किए। अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 प्रतिज्ञा ले चुकी हैं, 40% महिलाओं को सीट भी दी है। क्या मानते हैं इस चुनाव में कहाँ तक बजूद रहेगा इन पार्टियों का? बात देखिए, मुफ्त के एजेंडे की नहीं है, बात यह है सामाजिक परिस्थितियों की। भारतीय जनता पार्टी ने जो परिस्थितियाँ पैदा की हैं, 5 साल में उत्तर प्रदेश कितने रोजगार मिले, जो रोजगार आए भी आउटसोर्सिंग से आए, जिन नौकरियों में 35,000-60,000 रुपये तक तनख्वाह मिलनी चाहिए उन नौकरियों को 10,000 रुपये से लेकर 15,000-16,000 तक में रख लिया जा रहा है ठेके पर देकर के। तो हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश में तो आदमी बहुत परेशान है और मुफ्त के जब इतना परेशान है तो उनके ऊपर कर्जा लग गया है, तो अगर सरकारें मदद नहीं करेंगी कौन मदद करेगा भाई? आदमी टैक्स दे रहा है, हर आदमी टैक्स दे रहा है, पैंट ले रहा है, शर्ट ले रहा है, पेन ले रहा है, कागज़ ले रहा है, कापी ले रहा है, कलम ले रहा है, खाने सब पर GST जा रही है, तो टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है? तो वो टैक्स किस लिए देता है? टैक्स तो अपने भले के लिए देता है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के हित में अच्छे तरीके से खर्च हो। तो हमारी पार्टी देख रही है, जान रही है, समझ रही है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ना खर्च होकर के बड़े उद्योगपतियों के लिए खर्च हो रहा है। उनके 1,000 करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर दिया जा रहा है और पब्लिक का गरीब आदमी 50,000 रुपए के लोन में 14 दिन जेल काट करके आता है, फिर 1 साल लटका रहता है। तो बड़ी बुरी परिस्थितियाँ, जनता बहुत बेहाल है, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े सब परेशान है। विपक्ष का हमेशा कहता रहा है कि पश्चिम में इनका बहुत जो बहुमत था वो लगभग टूट गया है और पूर्वांचल की तरफ सारे नेता पलायन कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि पूर्वांचल में क्या स्थिति होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की एक तरफा जीत होगी, हर प्रत्याशी जीत रहा है और बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और सरकार बनने जा रही है। अगर बात करें इस विधानसभा की, ऐसे कौन कौन सी समस्याएं इस विधानसभा में हैं जो अब तक हल नहीं हो पाई हैं और जिसके लिए जनता आज भी परेशान है? देखिए, समस्या यहाँ पे बहुत सबसे बड़ी बिजली की थी, रोड नाली सड़क तो मान ली धीमे धीमे बन रहा था, हम लोग बनवा ही रहे थे। बहुत से ऐसे गांव थे जो आज़ादी के 60-65 साल 70 साल होने के बाद भी वहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, जब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार से हम लोग जगह जगह लगातार बिजली पहुँचा रहे थे। 3 नए हम लोगों ने विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत कराए, 2 बन गए थे, 1 सब स्टेशन बना तो उसको वर्तमान विधायक ने, चूंकि उनके किसी आदमी के पास उस जमीन का अवैध कब्जा था, उन्होंने उसका पैसा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। वहाँ बेरुगंज सब स्टेशन था, लोग परेशान हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़, इस क्षेत्र के लिए समस्या खुद जो अभी विधायक जी जेल में बंद हो गए वो खुद ही हैं, उन्होंने यहाँ इतना वसूली किया है, कोटेदार से हर महीने पैसा बंधा हुआ था SMI के माध्यम से, थानों से पैसा बंधा हुआ था, आम जनता से पैसा वसूली करके वो देते, थानेदार देता था, चौकी इंचार्ज देता था, ब्लॉक से उनका पैसा बंधा हुआ है, उनका पैसा CSC और PSC के डॉक्टरों से बंधा हुआ है कि यहाँ रहना, नौकरी करना है तो उनको पैसा दीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या तो वर्तमान विधायक ये जो तिवारी जी हैं खुद ही हैं इस क्षेत्र के लिए। बीजेपी बोलती है सबका साथ सबका विकास किए हैं, सब जगह बिजली पहुँचाई है, पेयजल पहुँचाया है, क्या मानते हैं? उनका सबका साथ सबका विकास ये TV बताता है और कोई आम जनता नहीं बताती है, जनता से पूछिए कौन सबका साथ सबका विकास है। भाई, चुनाव पास में है, समर्थन आप मांग रहे हैं, तो ऐसा क्या अच्छी बात होने वाली है, वैसे क्या आपकी बात है जिसको देखकर जनता आपको वोट दे, क्या मानते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने नौजवानों को पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया, जिस समय लैपटॉप को भारतीय जनता पार्टी नेता झुंझुना कहा करते थे, आज उसी लैपटॉप वाली पद्धति हर कोई आ रहा है। अभी कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि जब 12वीं पास करके इंटर एडमिशन लेंगे, देखा नहीं देखा था,
लैपटॉप और टैबलेट ये भी दे रहे हैं, नवी दिया है। नकल किसकी कर रहे हैं? नकल किसकी कर रहे हैं? श्री अखिलेश यादव जी की नकल कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने गांव विकास किया, लोहिया गांव के माध्यम से विकास किया, जनेश्वर मिश्रा गांव के माध्यम से विकास किया। बिजली में जितना काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, उतना किसी ने नहीं किया। और उन्हीं की दी हुई ताकत से हम लोगों ने अपने क्षेत्र में गांव के गरीब के मजदूरों किसानों को बहुत दवा इलाज कराया। हमारे विधायक निवास में था एक तरीके का अस्पताल बना हुआ था, वहाँ पर मरीज ही रहते थे हमारे क्षेत्र के। तो हम लोगों के अंदर मानवता है, संवेदनाएँ हैं, लोगों का दुख हमारा उनका दुख हमारा दुख है, उनका सुख हमारा सुख है। हम लोग लोगों के दुख और सुख में हमेशा साथ रहते हैं, चाहे हम हो चाहे हमारी समाजवादी पार्टी हो। सत्ता हमारे लिए सिर्फ एक सेवा का माध्यम है, हम ये बताना चाहते हैं। बीजेपी नेता पर बोलते हैं कि हमने कोविड काल में तमाम सेवाएं की, राशन दिया, आज भी राशन दे रहे हैं, और जितनी जनता की जितनी सेवा हमने की है महामारी के बीच किसी ने नहीं की है, क्या मानते इसको? कोविड काल में जनता ऑक्सीजन से की कमी से मर गई, ऑक्सीजन लोगों को मिला नहीं, अस्पताल लोग भर्ती नहीं हो पाए, तड़प तड़प के मर गए, ये उनकी सेवा है? हजारों किलोमीटर से लोग पैदल पैदल चल करके अपने अपने घरों पर आए हैं, एक एक एम्बुलेंस 20-20 लोग कंटेनर के अंदर घुस घुस के लोग आए हैं। आपने देखा नहीं कितनी त्राही त्राही मची हुई थी? इन्होंने सेवा किया था? अरे इन्होंने तो वो नारकीय स्थिति पैदा कर दी थी, या तो हिंदुस्तान के विभाजन समय जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ तो ये स्थिति थी, या अब ये स्थिति पैदा हुई थी, ये इनके लिए कलंक है और इनके पार्टी के लिए, इनकी सरकार के लिए हमेशा कलंक रहेगा। इन्होंने कोई तरक्की नहीं की, कोई विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा है, पर एक जो विधायक लड़ते चुनाव लड़ते प्रत्याशी होते हैं, अपना एक एजेंडा होता है अपने क्षेत्र के लिए, तो आपका एजेंडा क्या है जिसको लेकर जनता आपको वोट करे? देखिए हमारा एजेंडा, हमारे एजेंडे के साथ जनता की सेवा होगी, और हमारा व्यक्तिगत ये है कि उनके यहाँ कहीं कोई दुख पड़ेगा तो हम उनके साथ रहेंगे, उनकी कोई दवा तकलीफ होगी, परेशानी होगी, दवा होगा, इलाज होगा, गरीब दुखिया जो दवा इलाज नहीं करा पाते हैं, परेशान रहते हैं, पैसे नहीं होते उनके पास, उन सारे आदमियों की मदद करने का काम हमारा रहेगा। भैया चर्चा बने रहते हैं, चर्चा कारण क्या है? लगातार चर्चा बने रहते हैं, चर्चा बनी रहती है, क्या मानते हैं? कोई ऐसी चर्चा की बात नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी और पुलिस दोनों लोग चूंकि मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जितने सरकारी अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो अनावश्यक का चर्चा पैदा करते हैं और जबरदस्ती का आरोप लगाते हैं। वो चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। चुनाव पास है, मीडिया सशक्त माध्यम अपनी बात कहने का, मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ की जनता सब कुछ जानती है कि जो इस समय के विधायक जेल में बंद हैं उन्होंने किस तरीके से जनता का शोषण किया है। हम लोगों ने हमेशा जनता की सेवा की है। मैं उनके नेता के रूप में नहीं, मैं उनके भाई और बेटे के रूप में है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ी जात का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, सबकी सेवा हम लोग करते हैं, सबके दुख और सुख में शामिल रहते हैं, दवा इलाज कहीं किसी प्रकार कोई परेशानी होती है हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह, जो कि गोसाईगंज विधानसभा से हमारी पार्टी प्रत्याशी। का कहना है कि सपा सरकार ने जो पिछली सरकार में काम किया था उसी कार्य के आधार पर अखिलेश यादव दोबारा अपनी सत्ता में आने जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो विकास किया था, जो विकास की धारा बढ़ाई थी, वो अब तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, अयोध्या। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।